आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इन दिस क्वेश्चन हमको बोला है द टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर बिटवीन फिक्स्ड एंड इज 110 सेंटीमीटर। टू ब्रिजेस आर प्लेस्ड टू डिवाइड द लेंथ ऑफ द वायर इनटू रेशियो 6:3:2। व्हाट इज द मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी विद विच थ्री पार्ट्स कैन वाइब्रेट। ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन दिस पार्ट। द टेंशन इन द वायर इज 400 न्यूटन एंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 0.01 किलोग्राम पर मीटर। सो बेसिकली हमको बोला है कि एक सोनोमीटर वायर है जिसका टोटल लेंथ हमको दे रखा है 110 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसको उसके बीच में हमने दो वेजेस फिट करे ताकि वो 6:3:2 में डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो 6:3:2 अगर हमारा जो रेशो है, सो हम लेंथ इस वाले पार्ट की लेंथ 6K मान लेते हैं, इसकी पार्ट 3K और इस पार्ट की 2K। सो अभी भी रेशो 6:3:2 ही है। सो हमको बेसिकली के निकालना है। सो 6K प्लस 3K प्लस 2K इज इक्वल टू 110। सो यहाँ से जो K आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर्स। के 10 सेंटीमीटर्स आ गया तो ये 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर आ गया एंड ये बचा हुआ 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको बोला है कि सबसे पहले पहली चीज़ हमको ये बतानी है कि कॉमन फ्रीक्वेंसी क्या हो सके, वो फ्रीक्वेंसी बतानी है ताकि तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सके। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी, ताकि तीनों पार्ट्स जो हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सके, ठीक है। सो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के बीच में जो भी हमारा, अगर सपोज n लूप्स में अगर हमारे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, सो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है fn इज इक्वल टू nv/2l, जहाँ l लेंथ है, n इज़ द नंबर ऑफ लूप्स एंड v इज़ द वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग, जिसका लॉ ऑफ टेंशन से फॉर्मूला आता है √T/μ। सो टेंशन हमको दे रखी है क्वेश्चन में 400 न्यूटन और म्यू हमको दे रखा है 0.01 किलोग्राम पर मीटर। सो वैल्यू रख देंगे √400/0.01। सो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 200 मीटर्स पर सेकेंड वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री इनको नाम दे देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी वन कितनी आ जाएगी, n1v/2l1। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी टू आ जाएगी n2v/2l2 और F3 जो आ जाएगी वो आ जाएगी n3v/2l3। ये हमारे पास तीनों फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हमको दे रखा है f1=f2=f3। v तो तीनों में कांस्टेंट ही है, 2 भी तीनों में कांस्टेंट है। सो जो बचेगा n1/l1=n2/l2=n3/l3। n1 n2 n3 का रेशो हमको 6:3:2 दे रखा है। सो इसका मतलब L1, L2 और L3 का रेशो हमको 6:2:3 दे रखा, 6:3:2 दे रखा है। सो वही रेशो अगर रहेगा n1, n2 और n3 का, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और 1=1=1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम मान ले, जैसे n1 को मान लेते हैं सपोज 6m मान लेते हैं n1, ठीक है। n2 मान लेते हैं 3m और n3 मान लेते हैं 2m, ठीक है। और l1 l2 हमने k में मान रखा है। सो सारी वैल्यूज रख देंगे 6m/2 जो कि है 6m/6k इज इक्वल टू 3m/3k इज इक्वल टू 2m/2k। सो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। सो m/k = m/k = m/k मतलब इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने अज्यूम करी वो परफेक्ट है। अब हमको मिनिमम चाहिए। सो m की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ठीक है। सो n1=6, n2=3 और n3=2 जो कि हमारा ये आ जाएगा नंबर ऑफ लूप्स इन तीनों पार्ट, ठीक है। सो इनका रेशो n1:2, n2:3 कितना, जो कि नंबर ऑफ लूप्स का रेशो है जो कि हमको सेकंड पार्ट में पूछा गया है, वो है 6:3:2, ठीक है। सो एक सेकंड पार्ट का आंसर हमने पहले कर दिया और फर्स्ट पार्ट का आंसर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो n1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। सो f1=f2=f3 है, तीनों में से कोई भी निकालो, तो मैं f1 निकाल रहा हूँ। सो n1 है 6, v है हमारा 200/2l1 है हमारा 60 सेंटीमीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा और इससे जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 1000 हर्ट्ज़।
जो कि हमारी मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि दोनों पार्ट के हमारे आंसर आ जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।